सावन में बाहर आती है बारिशें और इसी सावन में राजस्थान में बाहर आती है घेवर की। अच्छा, घेवर की चाशनी बनेगी आधे तार की, बस थोड़ी चिपचिपी होनी चाहिए। अब भाई घेवर बनाने के लिए घी को बर्फ के टुकड़े से फेंटना है जब तक वह क्रीमी सा ना हो जाए। उसके बाद मैदा ऐड करके इसे अच्छे से घी में मसल लीजिए। फिर इसमें डालिए ठंडा दूध और एकदम ठंडा पानी डालकर 5 मिनट तक फेंट लीजिए। फिर इसमें डालिए नींबू का रस और ठंडा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब जिस भी साइज का आपको घेवर बनाना हो उसी बर्तन में घी या तेल भरकर थोड़ा थोड़ा घोल डालते हुए घेवर बना लीजिए। है ना एकदम आसान। आज का शॉर्ट आउट इनको, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह हनीकॉम बनेगा आपके घेवर में भी। इस पर हल्की गर्म चाशनी डालिए, थोड़े ड्राई फ्रूट डालिए और मजा लीजिए राजस्थानी घेवर का।